खर्च करने के बारे में बात हो रही थी। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में जहां नमाज का हुक्म दिया वहीं ज़कात का हुक्म दिया। अकीमुस्सला व आतुस्सका, अकीमुस्सला व आतुस्सका, 10 दफ़ा इसको अल्लाह ने इकट्ठा जिक्र किया है। 9 दफ़ा अकीमुस्सला व आतुस्सका, और ये तो हो गया मर्दों के लिए, और ख़ास तौर पर औरतों के लिए अकीमनस्सला व आतीनस्सका के ईमान वाली औरतें नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें। और कुरान पाक में 82 दफ़ा माल खर्च करने की तरगीब है। ज़कात के लफ्ज़ के साथ तो फ़र्ज हुक्म है और इन्फाक खर्च करो, इस लफ्ज़ के साथ आम तरगीब है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज नहीं वो भी अल्लाह के नाम पर खर्च करे, कि अल्लाह को दिया हुआ वापस मिलता है और अल्लाह उसे कई गुना। कि मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहा क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाअफ़ लहू अज़ाफ़न कसीरा, कोई है जो अल्लाह को कर्जा दे और अल्लाह उसे कई गुना करके वापस करे। अल्लाह का जो दिया हुआ है ये अल्लाह का फजल व एहसान है। किसी इंसान की अक़ल तदबीर ये उसी वक्त फ्रूटफुल होती है जब अल्लाह की ताईद शामिल हाल होती है, वरना सारी तदबीरें फेल हो जाती हैं जब आसमान वाले का फैसला बदल जाता है। तो भाई बहनों, जिनको अल्लाह ने रिस्क दिया है, जिन पर ज़कात फ़र्ज है, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ पूरा ऑडिट करके, हिसाब करके, उलमा से पूछ कर ज़कात को अदा करें। जिन पर ज़कात फ़र्ज नहीं है उनसे अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह के नाम पर ख़र्च करें। अल्लाह ताला फ़कीरी में खर्च करना अल्लाह को इंतहाई पसंद। अल्लाह के नबी से पूछा गया सबसे बेहतरीन सदका क्या है, फरमाया कि तंगी की हालत में सदका करना सबसे बेहतरीन शक्ल है। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया दावू मर्दाकुम बिस्सदका, अपने मरीजों का इलाज करो सदक़े के साथ। फिर आपने फरमाया सदका तो तरुद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टाल देता है। हमारे यहाँ सिर्फ काला बकरा ज़बह करना ही सदका समझा जाता है, किसी को 1 रुपया देना सदक़े की नीयत से यह भी सदका है। सबसे बेहतरीन सदका होता है किसी की ज़रूरत को पूरा करना, जो उसकी ऐन जेन्युइन ज़रूरत है उसे पूरा करना सबसे बेहतरीन सदका है। बाकी गोश्त का सदका भी ठीक है, लेकिन सबसे बेहतरीन सदका होता है जो किसी की ज़रूरत को सामने रख कर दिया जाए। तो एक दफ़ा एक आबिद की शैतान से मुलाकात हुई, तो उसने पूछा कि मुझे एक बात तो बताओ, तेरे यार कितने हैं? वो कहने लगा 3 किस्म के लोग मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। एक जो शराब पीता हो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, एक जो गुस्से वाला हो वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, और एक जो बखील हो, शूम हो, कंजूस हो, वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है। और अगली बात मजे की है, और अगर ये तीनों बातें किसी में इकट्ठी हो जाएं तो फिर वो मेरा पीर बन जाता है, मैं उसका मुरीद बन जाता हूँ। वो मेरा उस्ताद होता है, मैं उसका शागिर्द होता हूँ। वो मेरा उस्ताद होता है, मैं उसका शागिर्द होता हूँ। कि अल्लाह ना करे किसी में नशा भी हो, गुस्सा भी हो, बुखल भी हो, तो वो शैतान का भी शैतान बन जाता है। और बखील आदमी से अल्लाह की कभी दोस्ती नहीं लगती, और सखी से कभी अल्लाह की दोस्ती नहीं टूटती। और अल्लाह के नबी का फरमान है कि सबसे बड़ा सखी अल्लाह है और अल्लाह के बाद सबसे बड़ा सखी मैं हूँ। आपने जब हुनैन की जंग के बाद माल गनीमत तकसीम किया तो सफ़वान बिन उमैया पुकार उठे कि मैं अब गवाही देता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इसलिए कि इतनी बड़ी सखावत नबी के सिवा कोई नहीं कर सकता। तो इस्लाम और सखावत, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस्लाम पसंद किया है, इसको खूबसूरत बनाओ 2 चीज़ों के साथ। इस्लाम का मेकअप 2 चीज़ें हैं, इस्लाम का मेकअप 2 चीज़ें, फरमाया इसे खूबसूरत बनाओ सखावत के साथ और हया के साथ। बेहयाई ने मेरे माशरे को आग लगा दी है। आज का मीडिया बेहयाई फैला रहा है, हमारी नस्ल उस पर चल पड़ी है। मगरब की तहजीब बेहयाई की है, हम तो हया वाली उम्मत हैं। काश के कुछ हमारी नस्ल को थोड़ा सा इसका पता होता, इसकी अहमियत का पता होता। दुखती हुई रग है। और फरमाए कि अपने दीन को खूबसूरत बनाओ हया के साथ और सखावत के साथ।
کہ سخی اللہ کو انتہائی پسند ہے. آپ کو عجیب بات سناتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک سامری تھا منافق, جس نے ان کے لیے گائے کا بچہ بنا کے دیا سونے کا, اور اس میں سے آواز آتی تھی, تو وہ ہوا کی کراسنگ ایسی رکھی تھی کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی, آواز آتی تھی, دو طرف سوراخ رکھے تھے. وہ بنو اسرائیل سے کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا, یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور تمہارا رب. وہ اتنے بیچارے کم عقل تھے, وہ اس کی پوجا پہ لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے ہوئے تھے, واپس آئے, معاملہ دیکھا, اللہ سے پوچھا. اللہ نے کہا جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی انہیں قتل کیا جائے. ہزاروں آدمی قتل ہو گئے, تو سامری پکڑا گیا. جب سامری کو قتل کرنے کا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو اللہ نے کہا موسیٰ اسے چھوڑ دو. موسیٰ علیہ السلام نے حیران ہو کے پوچھا یا اللہ یہ تو ابتدا کرنے والا ہے. فرمایا یہ سخی ہے اور سخی کا قتل مجھے اچھا نہیں لگتا, اپنی موت آپ مر جائے گا, یعنی آگے دیکھ لیا جائے گا اس کے ساتھ جو ہوگا, یہاں مت چھوڑو. تو اس کے کفر کے باوجود اس کی سخاوت اس کو بچا گئی قتل سے, جہنم سے نہیں, دنیا کے قتل سے. مسلمان مرد و عورت اور سخی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا محبوب اور مقرب ہوگا. مال خرچ کرنے میں جو مزہ ہے وہ جمع کرنے میں مزہ نہیں ہے, دینے میں جو مزہ ہے وہ لینے میں نہیں ہے. تو غریبوں پہ خرچ کریں, اپنے نوکروں پر خرچ کریں, ملازمین پر خرچ کریں, گھر کی خادمات پر, بچیوں پر خرچ کریں. ایک آدمی کو پیسہ نہیں ہے تو میٹھے بول کی سخاوت کرے, گھر کی عورت میٹھے بول سے بچی کو بلائے, گھر کی عورت میٹھے بول سے اپنے خادم اپنی خادمہ کو بلائے, گھر کا مالک میٹھے بول سے اپنے نوکر کو بلائے, یہ بھی سخاوت ہے. ابتسام و کفی وجہ اخیق صدقہ, تیرے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے تو مسکرا کے مل لینا بھی تیرا صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ کا انتہائی پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نام پر خرچ کرنا. ایک دفعہ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا, کہنے لگا عرب کا ہر بدو مجھ سے بڑا سخی ہے, مجھے تو اللہ نے رزق دیا تو میری سخاوت مشہور ہو گئی. پھر ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک سفر میں تھا تو ایک بدو کے یہاں مہمان ٹھہرا, تو عربوں میں سری کھانے کا بڑا رواج ہے اور سری کا مغز خاص طور پہ بہت شوق سے کھاتے. تو اس نے جب وہ مغز نکال کے کھایا تو اس کے منہ سے نکلا کہ واہ بھائی واہ, یہ مغز بڑا پیارا پکا ہوا ہے. تو وہ بدو اٹھا اور سریاں کاٹ کاٹ کے لاتا رہا اور بنا کے کھلاتا رہا کھلاتا رہا. صبح اٹھ کے دیکھا تو 100 بکریاں اس نے ذبح کر کے یعنی کاٹ کے ان کے صرف سری پکا کے مغز حاتم کو کھلایا تھا, جو اور بھی مہمان تھے. تو حاتم کہنے لگا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ کہ تیرے پاس اور جائیداد ہے؟ کہ نہیں بس یہی 100 بکری میری جائیداد تھی. تو کہنے لگا اب تیرا کیا بنے گا؟ کہا میرا جو بنے گا وہ اللہ جانتا ہے, لیکن مہمان کی خواہش کو پورا نہ کرنا تو بہت بڑی کنجوسی اور بخل ہے. تو حاتم کہنے لگا وہ اس سے بڑا سخی تھا, ساری جائیداد قربان کر دی. پھر حاتم نے 100 بکری کے بدلے میں اس کو 100 اونٹ دیے تحفے کے طور پر. تو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو واقعات بھرے پڑے ہیں. انسان کی طبیعت میں بخل ہے, سخاوت لانی پڑتی ہے. عبیداللہ بن عباس حضرت عباس کے بیٹوں میں ان کی سخاوت ضرب المثل ہے, بہت بڑے سخی تھے. ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا؟ کہنے لگے ہاں دیکھا. ایک سفر میں تھا, بارش شروع ہو گئی, ایک بدو کا مہمان ٹھہرا, اس نے اونٹ ذبح کر دیا. میں بڑا حیران ہوا کہ بکری ذبح کر دیتا, 3 آدمی تھے وہ. تو اگلا دن بارش چلتی رہی تو اس نے دوسرا ذبح کر دیا. تو انہوں نے فرمایا بھائی ابھی تو کل کا اتنا گوشت پڑا ہے, یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس بدو نے کہا میں مہمانوں کو باسی چیز نہیں کھلاتا, ہمیشہ تازہ چیز کھلاتا ہوں. 7 دن بارش ہوتی رہی, اس نے 7 اونٹ ذبح کر دی. اور وہ ضائع نہیں ہوتے تھے, وہ اس گوشت کو سکھا لیتے تھے صحرا میں, وہ سکھا کر پھر وہ کھاتے رہتے تھے. تو 8ویں دن بارش ختم ہوئی تو وہ بدو نکلا ہوا تھا اپنے کسی کام کو یا اپنے جانور چرانے. تو انہوں نے ارشاد فرمایا اپنے نوکر سے تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہا جی 300 دینار ہیں. 300 دینار میں 300 اونٹ آ جاتے تھے, اتنا بہت بڑا یہ سرمایہ تھا. 100 اونٹ تو کہیں بھی نہیں گئے. تو کہنے لگے جاؤ اس کی بیگم کو دے کے آؤ. تو اس کے دروازے پر گئے, اس کی بیگم کو دیا تو اس نے انکار کر دیا کہ ہم مہمانی کو فروخت نہیں کیا کرتے.
तो उसने आकर बताया जी तो वापस नहीं ले रहे, कुछ ऐसा करो उसके दरवाजे पर फेंक के आ जाओ। तो दरवाजे पर फेंक के चल दिए, कुछ दूर गए तो पीछे से आवाज़ सुनी तो बद्दू नारे लगाता हुआ आ रहा था और वो थैली पकड़ी हुई, कहा मेरे दोस्त ये अपनी थैली वापस लो, मैंने आज तक अपनी मेहमानी को बेचा नहीं, मेरी गैरत के ख़िलाफ़ है मेहमान से कुछ लूँ। उन्होंने फरमाया कि मेरे दोस्त तुमने हमारी ज़ियाफ़त की, हमने तुम्हारा इकराम किया, ये तुम्हारी ज़ियाफ़त का बदला नहीं। कहा नहीं ये नहीं हो सकता। उन्होंने फरमाया फिर हम भी अहले बैत हैं, हम भी ये नहीं कर सकते कि हमारे घर से कोई चीज़ जाए और वापस आए। तो उसने नेज़ा उठा लिया, कहा या ये पैसे वापस ले या यही नेज़ा तेरे सीने के पार कर दूँ। तो हज़रत उबैदुल्लाह कहने लगे मैं डर गया, मैंने कहा ये बद्दू वाकई पार कर देगा। तो उससे वापस लेकर आगे आया, फरमाया मुझसे बड़ा सखी था। तो अगर तबीयत में बुखल है तो सखावत के वाकयात पढ़ें, तबीयत में बुखल है तो कब्र को याद करें। हमारा देश बहुत गरीब है, अल्लाह के वास्ते अल्लाह अपनों पर खर्च करो, जायज़ खर्च करो, ज़रूरत का भी करो सहूलत का भी करो, लेकिन फ़कीर को भी याद रखो गरीब को भी याद रखो। मैं एक जगह ज़ियाफ़त में शरीक था तो मेरे साथ मेरा एक शागिर्द भी था, हम उठ के चले तो वो मुझसे कहीं पहले उठ कर गया, एक कोने में बैठा था, मैंने देखा तो रो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा कुछ नहीं जी। मैंने कहा बताओ तुझे रो क्यों रहे हो? कहा ये जो आज ज़ियाफ़त थी एक वक्त की, जिस पर इस पर जितना खर्च हुआ है इस पर मेरा पूरा महीना गुजर सकता है, मेरा इतना लो लेवल है ज़िंदगी का, लेकिन गरीबों को पूछता ही कोई नहीं है। तो सखी बनना अल्लाह को पसंद है और बखील अल्लाह का दोस्त हो नहीं सकता, और जब तक ज़कात अदा नहीं करेगा जन्नत में जा नहीं सकता। फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम, ज़कात नहीं अदा की तो अल्लाह हिफाजत फरमाए वही माल फिर गर्म करके जिस्म पे लगाया जाएगा। तो औरतें ज़कात अदा नहीं करती, मर्द नहीं करते। 100 में 10% नमाजी तो हैं लेकिन 100 मालदार इकट्ठे करूँ तो एक ज़कात देने वाला नहीं है। कोई 10,000 में जाकर कोई एक आद मिलता है। अल्लाह के वास्ते अपनी उसकी आदत डालें। अल्लाह ताला को हज़रत हाशम का वाक़या सुनाता हूँ, बहुत मज़ेदार वाक़या है। सफ़र में जा रहे थे तो सहरा का सफ़र था, एक जगह पहुँचे तो खेमे के सामने एक खातून बैठी थी, तो उससे फरमाने लगे बहन मैं मुसाफिर हूँ, कुछ खाने को मिल जाएगा? तो वो कहने लगी मैंने कोई होटल खोला हुआ है जो मैं तेरे लिए रोटी पकाऊँ, चलो अपना रास्ता लो। वो फरमाने लगे थक गया था मैं वहीं बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी तो उसका खामिद आ गया, उसने मुझे सलाम किया, कहा मेरे दोस्त कौन हो? मैंने कहा मेहमान परदेसी मुसाफिर, खाना खाया? कहा नहीं जी कोई नहीं खाया। तो उसने अपनी बीवी से कहा इसको खाना क्यों नहीं खिलाया? तो वो कोई बड़ी बदतमीज़ थी, वो खामिद को भी पड़ गई कि मैं कोई होटल खोला हुआ है और मैं यहाँ लोगों की रोटियाँ पकाती रहूँ। तो उसने कहा तूने मुझे हमेशा ही मेहमानों के सामने रुसवा किया है। फिर कहा मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर देना। उसने जाके बकरा ज़बह किया, साफ़ किया, पकाया, खिलाया, फिर माजरत भी की और रवाना भी किया। अगली मंजिल पर पहुँचे तो वहाँ भी एक खेमा था, वहाँ देखा वहाँ एक खातून बैठी थी। तो उनका बहन मुसाफिर हूँ कुछ खाने को मिल जाएगा? कहा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेहमान तो अल्लाह की रहमत होता है, आप तशरीफ रखें मैं अभी आपके लिए खाने का इंतज़ाम करती हूँ। वो जल्दी गई, उसने एक बकरा ज़बह किया, साफ़ किया, पका के उसके सामने रखा था कि उसके ऊपर से खामिद आ गए। तो उसने ऐसे बड़ी खौफनाक नज़रों से देखा, कौन हो? कहा जी परदेसी हूँ, मेहमान हूँ। ये खाना कहाँ से आया? कहा जी ये इस खातून ने दिया है। तो उसने चढ़ाई, वो बीवी थी, उसे चढ़ाई कर दी, मैंने यहाँ होटल खोल के रखा हुआ है, जो आता है तो खाने खिलाती है, तू मुझे भूखा कर देगी, मुझे कंगाल कर देगी। तो हाशिम रहमतुल्लाह अलैह हंस पड़े। तो वो बद्दू कहने लगा हंसे क्यों हो? कहने लगा वो पिछले पड़ाव पर ना इसका उलट देखा था। का क्या देखा था? कहा वहाँ औरत देखी थी तेरे जैसी और मर्द देखा था इस औरत जैसा, वहाँ मर्द सखी था औरत कंजूस थी, यहाँ औरत सखी है और मर्द कंजूस है। तो वो कहने लगा तुम्हें खबर है वो कौन लोग हैं?
कहने की मुझे तो नहीं खबर। कहा वो औरत मेरी बहन है और ये औरत उसकी बहन है, दोनों की रगें एक जैसी हैं, एक सखावत के फूल हैं एक बुखल के कांटे हैं। तो मेरे भाई बहनों, अपने ऊपर खर्च करो, हलाल कमाओ हराम ना कमाओ, झूठ सट्टा चोरी जुआ रिश्वत खोट मिलावट बदयानती, अल्लाह की कसम कांटों के सिवा कुछ नहीं मिलता। अगर जायज़ खर्च करो, अच्छी सवारी कोई माना नहीं, अच्छा लिबास कोई माना नहीं, अच्छा घर कोई माना नहीं, बड़े बड़े घर ना बनाओ, ये बहुत बड़ी नादानी और हमाकत है। ज़रूरत के अच्छे घर बनाओ, मुनासिब बनाओ, गरीबों को भी याद रखो, ख़ास तौर पर कम अज़ कम जिन पर ज़कात फ़र्ज़ है वो ज़रूर अदा करें, और जिन पर फ़र्ज़ नहीं है उनके लिए अल्लाह की तरगीब है कि तुम अल्लाह के नाम पर दो, अल्लाह तुम्हें देगा। वो युथिरून अला अन्फुसिहिम वलो कान बिहिम ख़सासा। अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मेहमान को लेकर आए और बीवी से पूछा, खाने को कुछ है? कहा बस बच्चों की रोटी पड़ी है। कहा ऐसा कर उन्हें सुला दे और मेहमान के सामने तू भी बैठ जा, मैं भी, और चिराग बुझा देंगे और तुम मुंह हिलाती रहना, मैं भी मुंह हिलाता रहूंगा, मेहमान खाना खा जाएगा। बच्चों को भूखा सुला दिया और चिराग बुझा दिया और तीनों कट्ठे बैठ गए। ये दोनों मियाँ बीवी मुंह हिलाते रहे और मेहमान खाता रहा, चूंकि रोटी थोड़ी थी, वो पेट भर के खा गया। सुबह जब मस्जिद में आया नमाज पढ़ने तो कुरान पहले आ चुका था, वो युथिरून अला अन्फुसिहिम वलो कान बिहिम ख़सासा। अल्लाह के कुछ महबूब बंदे ऐसे हैं जो औरों को तरजीह देते हैं हालांकि खुद भूखे होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, दोनों बच्चे बीमार हो गए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेटा कोई मन्नत मान लो। तो दोनों ने रोज़े की मन्नत मानी। तो घर में कुछ था नहीं तो शमऊन यहूदी से कुछ ऊन लेकर आए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, उसको हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने साफ़ किया, तो कुछ थोड़े जौ मिले उसको पीस कर उन्हें रोटियां बनाई और इफ्तारी के लिए सामने रखा। और बैठे थे कि आवाज़ आई, मिस्कीन हूँ अल्लाह के नाम पर कुछ दो। तो मियाँ बीवी ने दोनों को देखा और दोनों रोटियां उठा के उस फ़कीर को दे दी, अपने लिए एक नवाला भी नहीं बचाया। अगले दिन फिर रोज़ा रखा और शमून यहूदी से वो ऊन लेकर आए, साफ़ किया, खाने पर बैठे, आवाज़ आई, यतीम हूँ अल्लाह के नाम पर कुछ दो। तो दोनों रोटियां उठाकर उनको दे दी, पानी पे रोज़ा रखा। अगले दिन फिर ऐसा हुआ, फिर खाने पर बैठे, फिर आवाज़ आई, कैदी हूँ अल्लाह के नाम पर कुछ दो। तो दोनों रोटियां उठाकर उनको दे दी। और चौथे दिन बेहाल हो गई तो अल्लाह के नबी आए तो गले लगाया, रो पड़ी। तो अल्लाह ने उसे कुरान उतारा, युतअमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं जो खुद भूखे होते हैं लेकिन खाना खिलाते हैं मिस्कीनों को, यतीमों को, कैदियों को। यकीनन ये दर्जा ना हम इस पे आ सकते हैं ना ये मतलूब है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम जब अपनी ज़रूरतें पूरी करें, ख्वाहिशात पूरी करें, तो गरीब को याद रखें, गरीब की दुआ लें। कितने गरीबों की बच्चियों के हाथ पीले हो जाएंगे। जब मालदार बखील होते हैं और गरीबों पे खर्च करना छोड़ देते हैं तो गरीबों की बेटियां नीलाम हो जाती हैं, इज्जतें नीलाम हो जाती हैं, बच्चियां नीलाम हो जाती हैं। मेरा तो बाजार हुसन भी जाना होता है तबलीग के सिलसिले में, भूख की सताई हुई बच्चियां अपनी इज्जतें बेच रही होती हैं। आप यकीन माने उनकी दास्तानें सुन सुन मेरा कलेजा फट गया। नचाने वाले उसी तरह सेठ साहब भी हैं, शेख साहब भी हैं, सरदार साहब भी हैं, मियां साहब भी हैं, माहर साहब भी हैं, चौधरी साहब भी हैं, अफसर साहब भी हैं। नाचने वाली तवायफ बन गई, रंडी बन गई, लेकिन जिसने घुंघरू पहना है वो तो उसी तरह मुअज्जज़ बैठा हुआ है। जिसने किसी की इज्जत को लूटा चंद कौड़ियों के पीछे, उसके कॉलर पर कोई दाग नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आने वाला है जब अल्लाह जालिम और मजलूम को इकट्ठा करेगा। ये इम्तिहान की जगह
ہے، یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، ورنہ حسین جیسے کہ سر نیزے پہ چڑھتے اور یزید تخت پہ بیٹھتا، شمر غرا تھا اور اہل بیت کی چیخ و پکار ہوتی، یہ امتحان ہے۔ مالدار لوگ سخی ہوں تو غریب بھی عزت سے زندگی گزارتا ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ جب تو اپنے بندوں پہ ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشیں بے وقت کرتا ہوں، حکومت بے وقوفوں کو دیتا ہوں اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں۔ تو آج اللہ کی ہم پہ ناراضگی ہے کہ بارشیں بے وقت ہیں، حکومت نااہلوں کے پاس ہے، پیسہ بخیلوں کے پاس ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے بخیل، ایک ہوتا ہے شحی، جو بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے۔ بخیل تو وہ ہے جو اوروں پہ خرچ نہ کرے لیکن اپنوں پر کرے، اپنے بچوں پر کرے۔ شحی وہ ہوتا ہے جو کم بخت نہ اپنوں پر خرچ کرے، نہ اوروں پہ کرے، نہ بچوں پہ کرے، نہ بیوی پہ کرے، صرف گن گن کے خوش ہوندہ رہے، لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، ارب ہو گیا، کھرب ہو گیا، چوتھے دن قبرے جا ڈٹھا، ہر شے ختم برباد ہو گئی، یہ شحی ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب میں راضی ہوتا ہوں، امطر علیہم ابان زرعہم وامنعہ ابان حصادہم، جب راضی ہوتا ہوں تو جب کھیتی کاش کرتے ہیں تو بارش دیتا ہوں پھلے پھولے، اور روک لیتا ہوں جب پک جاتی ہے تاکہ کاٹ کے گھر لے آئیں۔ واجعل الملک فی حلمائہم، اور حکومت سمجھدار نیک لوگوں کو دیتا ہوں۔ والمال فی سمحائہم، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، خرچ کریں، اللہ خرچ کرے گا آپ پر۔